अल्लाह सुबहानहू व तआला ने शैतान को क्यों खल्क फरमाया? अक्सर जवान और गुमराह फिक्र रखने वाले ये सवाल लेकर आ जाते हैं और समझते हैं कि मौलाना के पास इसका तो जवाब ही नहीं होगा और हम अपने लिए एक उज्र ले आएंगे। अल्लाह ने शैतान को क्यों पैदा किया बताइए? हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह वो वसवसा किया शैतान ने, गुनाह हो गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? अल्लाह ने शैतान को खल्क किया है ना, और खल्क ही नहीं किया, उसे आजादी भी दे दी, उम्र भी दे दी, उसने कहा मैं गुमराह करूंगा बहकाऊंगा, और इजाजत दे दी, छूट दे दी। तो नऊज़ु बिल्लाह हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी। तवज्जो सब हजरात बरकरार रखेंगे। देखिए अल्लाह सुबहानहु व तआला का कोई भी अमल इब्तिदाअन तखलीक और ईजाद और इब्दा की सतह पर लुत्फ से खाली नहीं होता, लुत्फ से खाली नहीं होता, फैज से खाली नहीं होता। असलन ईजाद और खिलकत फैज हक है, फैज हक है। शैतान को खल्क फरमाया अल्लाह सुबहानहू व तआला ने। शैतान क्या है? अल्लाह के अस्माए हुस्ना की फेहरिस्त जाके देखिएगा आज। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में, अस्माए मुबारका में एक इस्म है अल मुविल। मुविल के क्या मानी होते हैं? गुमराह करने वाला। अल्लाह का क्या नाम है? हादी या मुविल? अल्लाह हकीकत में क्या है, हादी है या मुविल? अल्लाह हादी है, अल्लाह सुबहानहू व तआला हादी है, मगर खुद उसने अपना नाम मुविल रखा है। क्यों? मतलब कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं मुविल हूं? कोई हो सकता है? तवज्जो रखिएगा, बहुत दकीक बहस छिड़ गई, आज जहन में भी नहीं था कि मैं इस मकाम गुफ्तगु तक आ जाऊंगा। अल्लाह के नामों की फेहरिस्त 99 नाम जाके देखिएगा, उसमें अल मुविल है या नहीं। अल मुविल के मानी क्या है? बजाहिर गुमराह करने वाला। शैतान इसमें अल मुविल का मजहर है। ये इस्म अल्लाह ने अपना क्यों रखा, इसको अपना मजहर क्यों बनाया? तवज्जो रखिएगा, ये भी लुत्फ हक है। आप जितने गुनाह करते हैं किसी गुनाह का बार शैतान पर नहीं है, सब बार आप पर है। तरबियत का अगर उसूल समझ लें, कोई मुस्तहकम किरदार पैदा हो ही नहीं सकता जब तक के वसवसों से लड़ के अपने अंदर इस्तेहकाम पैदा ना करे। तवज्जो रखिए, समझिए इस बात को। आप किसी बच्चे की जहानत की परवरिश चाहते हो कि बच्चा जहीन हो, बच्चा जहीन हो, और आप उसका आईक्यू टेस्ट करना चाहते हैं या जहानत टेस्ट करना चाहते हैं या जहानत की तरबियत चाहते हैं। जहनियत नहीं कह रहा हूं, जहानत। जहानत की तरबियत के लिए क्या करते हैं? आप बैठे हैं, आप मुअल्लिम, मुरब्बी, एजुकेटर, बाप भी, एक फर्ज कीजिए एक शख्स बाप भी है, खुद ही अपने बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठा है, तो उसके अंदर शफकत पेदरी भी होगी, शफकत पेदरी भी होगी, पूरी शफकत पेदरी। फिर उसमें इजाफा हो जाएगा हिकमत रुबूवियत, तरबियत के उसूल, लेकिन वो करेगा क्या कि उस बच्चे को गलत कई जवाबात रख देगा सामने और कहेगा बताओ ये सही है कि ये सही है कि ये। अगर बच्चे ने सही जवाब पे पहले ही उंगली रख भी दी तो कहेगा नहीं नहीं शायद ये सही है, हमें तो शायद ये सही लग रहा है। ये बाप बेटे को गुमराह कर रहा है या उसकी जहानत की तरबियत कर रहा है? क्या कर रहा है ये मुअल्लिम और बाप? ये बच्चे को गुमराह कर रहा है, कुंद जहन बना रहा है या जहीन?
नहीं, ये ज़हीन बना रहा है कि बचपन से बच्चे की ज़हानत ऐसी पुख्ता हो, चाहे तो धोखा न खाए और सही नतीजे की शनाख्त करे। अल्लाह ने शैतान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि रूह है इंसान इतनी मुस्तहकम हो के वसवसे होते रहे मगर वो हक की शनाख्त में गुमराह ना होने पाए। ये लुत्फ रुबूबियत है। और ये पहले जुमला कह चुका हूं कि शैतान को वसवसे से ज्यादा कोई कुदरत नहीं हासिल है। ये पहला जुमला याद है ना जहन में, शैतान को कितनी कुदरत हासिल है, सिर्फ वसवसा। यानी वही बात जो एक बाप बैठ के बच्चे के को वसवसा करता है। नहीं नहीं, ये गलत जवाब नहीं है, ये सही जवाब है। जो सही जवाब है उसे गलत कह रहा है, जो गलत जवाब है उसे सही कह रहा है। किस लिए? गुमराह करने के लिए या जहानत की तरबियत के लिए? जहानत की तरबियत के लिए ना। अल्लाह सुबहान व तआला ने शैतान को सिर्फ वसवसे की इजाजत दी है, इससे ज्यादा नहीं। पुरानी मिसाल जहन में होनी चाहिए। क्या आप कभी घर से निकले नमाज पढ़ने के लिए सुबह की, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मालूमा निकले थे मस्जिद के इरादे से और शैतान ने हाथ पकड़ के मैखाने पहुंचा दिया? शैतान में यह कुदरत नहीं है कि किसी की कलाई पकड़ के निकाल के मैखाने तक पहुंचा सके। शैतान में यह कुदरत नहीं है कि आपके सामने रखी हुई सिज जगह हटा सके। शैतान में यह कुदरत नहीं है कि आपके सामने वजू का पानी हटा सके। नहीं है शैतान में यह कुदरत, सिर्फ वसवसा कर सकता है। ये इंसान में कुदरत है कि सामने की सिज जगह हटा दे। और ऐसे इंसान कहीं और नजर ना आते हो तो हरम चले जाइए, मक्के जाइए, मदीने, जहां शैतान ने हाजिरा को वसवसा करने की कोशिश की थी और हाजिरा गुमराह नहीं हुई, वहां ऐसे इंसान मौजूद हैं ये जो आपके सामने से सिजदा उठा लेते हैं। तो ये शैतान को सिर्फ वसवसा करने की इजाजत है। आप शैतान का शिकवा ना कीजिएगा और ये ना कहिएगा अल्लाह ने शैतान को खल्क क्यों किया। अल्लाह ने शैतान को खल्क किया आपकी तरबियत के लिए।